न्यूज पेदुंग को सह प्रायोजक गोवा फास्ट फूड एंड स्नैक्स पेदुंग बजार। नमस्कार, आज हामी यहाँ लेप्चा गुम्बा, विशेष गरेर लेप्चा बम गुम्बा, जो चाहिँ एउटा सबैभन्दा पुरानो लेप्चा गुम्बा हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्याक दिल्लीबाट आएका छन्। उनीहरू खास यो गुम्बाको कन्जर्भेसनको लागि, प्रिजर्भेसनको लागि, अनि यो गुम्बामा एउटा म्युजियम पनि खडा गर्नका लागि उहाँहरू आउनुभएको छ र यसै सन्दर्भमा एउटा यो ट्रेनिङ प्रोग्राम यहाँ उहाँहरूले राख्नुभयो, त्यसमा मलाई पनि बोलाउनु भयो र त्यसको लागि हामी धेरै धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यहाँ विशेष गरेर लेप्चा लामाजहरूले र लेप्चा यो बुद्धिस्ट भक्तहरूले आजदेखि उहाँहरूले ट्रेनिङ सुरु गर्नेछ र यो ट्रेनिङबाट विशेष गरेर यो पुराना हस्तलिखित म्यानुस्क्रिप्ट्सहरू छन्, त्यसको प्रिजर्भेसन, अनि जो थाङ्काहरू छन्, अनि जो पनि भित्तामा त्यो लारी भन्छ त्यो लारीहरूको कन्जर्भेसन र यस प्रकारको धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ, त्यसमा पनि यो कन्जर्भेसनको बारेमा उहाँहरू एक्सपर्टहरू दिल्लीबाट आउनुभएको छ, लखनऊबाट आउनुभएको छ, केरलाबाट आउनुभएको छ र यसरी हाम्रा यो लेप्चा गुम्बालाई सुन्दर मात्रै होइन, यसको प्रिजर्भेसन र यसको भविष्यको लागि धेरै काम गर्ने उहाँहरूको जो एउटा विचार लिएर उहाँहरू आउनुभयो, जुन मद्दत हामीलाई यहाँ दिइरहेको छ, त्यसको लागि हामी इन्ट्याक दिल्लीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी भन्न माग्छौँ। र यहाँ हाम्रो दोर्जी लोपन यहाँका हेड लामा उहाँको तत्त्वावधानमा यो सबै एरेन्ज भइरहेको छ र हाम्रो दोर्जी लोपनलाई पनि म सबैको तर्फबाट हामी बधाई दिन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी यो ट्रेनिङ गरेर हाम्रो जति पनि लेप्चा, अब यो एउटा सुरु भएको छ, अरू लेप्चा गुम्बाहरूमा पनि यसरी नै फैलिएर जानेछ, यसरी नै कन्जर्भेसन र प्रिजर्भेसनको काम भएर जानेछ भनेर मैले ठुलो आशा राखेको छु। वास्तवमा इन्ट्याकसँग पहिल्यै हाम्रो कन्ट्याक्ट थियो, 2012 इन्ट्याकले हाम्रो लेप्चा म्यानुस्क्रिप्ट्स 3 को वर्कसप, ट्रान्सलेसन वर्कसपको साथसाथमा 3 लेप्चा म्यानुस्क्रिप्टको प्रकाशन पनि उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो। त्यसको लागि उहाँका मेम्बर सेक्रेटरी श्रीमती छोदेन छिरिङ मिश्रा रिटायर्ड IAS उहाँलाई हामी रङहरूको तर्फबाट ये 3 की वर्कशॉप कला वस्तुओं का जो खराब होती हैं उनको कैसे बचाना चाहिए, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमें केमिकल्स की ज़रूरत हो। यहाँ जो काम हो रहा है वो दूसरे तरीके का काम है, वो हम आपको बात को बताएंगे। आपको कैसे बचाना है, कैसे रखरखाव करना है, इसके बारे में चर्चा की जाए। अभी सबसे पहले मैं सबको पोस्टर हम लोग दे रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, नाम लिखना है, किस गोमचा किस मोनेस्ट्री से है उसको लिखिए, और जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन का नाम लिखिए कि मेरे यहाँ पेंटिंग्स हैं, थंका है, मेटल का ऑब्जेक्ट्स है जो है, और उनको आप कैसे रखते हैं, सिर्फ ऐसे धूप में रखा हुआ है या कहीं अलमारी में रखा हुआ है, बॉक्स में रखा हुआ है, जैसे रखा हुआ है, कागज में लपेट के रखा है, अखबार से लपेटा है, जैसे रखा है, जैसा जो जानते हैं वैसा आप लिख के देंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि आपको कहाँ तक कितना मालूम है और हमें कहाँ तक आपको बताना है। करेक्ट, पोस्टर दीक्षा और रूपश्री, एक पेन आपको दिया जा रहा है और पोस्टर पेपर दिया जा रहा है। नाम लिखिए सबसे पहले, ठीक है।
इंस्टीट्यूशन रामाजी एंड एवरीवन एल्स हू आर प्रेजेंट हियर, थोड़ा सा इंटेक के बारे में मैं बताता हूँ. इंटेक इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1985-84 में स्टार्ट हुई थी, और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेक एस्टैब्लिशमेंट वाज टू वर्क पैरेलल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज विच इज अनप्रोटेक्टेड. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसको जो काम करते हैं उसके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सब लोग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर या शॉर्टेज ऑफ फंड्स और व्हाटएवर. सो इसलिए इंटेक को इस्टेब्लिश किया गया था, और धीरे धीरे करके इंटेक एक बहुत छोटी सी संस्था थी, वेरी फ्यू मेम्बर्स, बट इवेंचुअली आज एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा पूरा वर्ल्ड में हम लोगों को काफ़ी रिकग्निशन है हमारे काम की. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कई हमारे डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा डिवीजन आता है आर्ट एंड मटेरियल हेरिटेज, जिसको मैं सबसे लास्ट में आपको समझाता हूँ बताता हूँ. उसके बाद आता है आर्किटेक्चरल हेरिटेज, जिसमें मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स मॉनेस्ट्रीज या बिल्डिंग्स जो अनप्रोटेक्टेड हैं या जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं उनके लिए हम लोग फंड्स रेज करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, फंड रेज करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट और थ्रू प्राइवेट चैनल, और उनको हम रिस्टोर करते हैं. और रिस्टोरेशन में इट इज़ जस्ट नॉट कि उठाया सीमेंट या जो भी कुछ लगा दिया, ऐसा नहीं करते हैं. जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिस चीज़ से जैसे ये गुम्पा है, जिस ओरिजिनल उसमें मड का और लाइम का यूज़ किया गया है चूना, तो उसी मटेरियल को हम साइंस के थ्रू रिसर्च करके वही मटेरियल से उसको रिस्टोर करते हैं. सो हैविंग ऑल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर स्टिल यू नो वी स्टिल वर्क विद देम. फिर उसके बाद एक हमारा इम्पॉर्टेंट डिवीजन है, वो है नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, इन सब पे काम करते हैं. और अब वो थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसमें वो लैंग्वेजेस वगैरह भी ले रहे हैं, डाइंग ओरल ट्रेडिशंस लैंग्वेजेस ये सब भी. तो उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो एक बार बनाया गया है. सो दैट इज़ वर्किंग थ्रू आउट पैन इंडिया, डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरी लैंग्वेज और कस्टम्स ट्रेडिशंस डांसेज वॉट एवर.